प्रवचन करते हैं, समावसरण की रचना होती है, वहाँ कोट होते हैं, तीन कोट, और मध्य में समावसरण होता है। तो आचार्य कल्पना कर रहे हैं कि ये तीन कोट क्यों, और वह भी एक माणिक्य से निर्मित होता है, एक सोने से निर्मित होता है, एक चांदी से निर्मित होता है, ये क्यों? तो फिर भीतर में गए और उसे समझने का प्रयत्न किया और उन्होंने कहा कि ये तीन कोट जो है ये हमें स्थूल रूप में तो तीन कोट दिखाई दे रहे हैं, माणिक्य सोने और चांदी का, वास्तव में ये नहीं है प्रभो, आपकी कांति, आपका प्रताप और आपका यश इन तीन कोटों के रूप में खड़ा हो गया है। इतना आपका यश है जो श्वेत चांदी की तरह चमक रहा है, आपका इतना प्रताप है, इतना जो सोने की तरह चमक रहा है, अरुणिम रंग सोने की तरह चमक रहा है, और आपकी इतनी कांति है कि वह माणिक्य की भांति चमक रही है। तो ये तीन कोट है, ये तो एक प्रतीक है, वास्तव में आपकी कांति, प्रताप और यश ने एक रूप धारण कर लिया, और जो आपने तीन लोक में जो कुछ फैलाया दिया वे सारे पिंडित हो गए हैं, पिंडीभूत होकर एकत्रित होकर और ये कांति और प्रताप और यश के कोट बना दिए। अब भगवान का समावसरण और देशना, तो कहा जाता है कि वहाँ देवता भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं, उस परिषद में एक स्थान देवों के लिए होता है, पता नहीं दिखाई देते थे या नहीं, पर आते बहुत थे। हम लोग रतनगढ़ में अक्षय तृतीया के अवसर पर थे, तो एक भाई आया और बोला कि आज एक भूल हो गई। क्या? कि मुझे एक आभास हुआ है, किसी ने बताया है कि एक दिव्य आत्मा, उसने कालूगणी का नाम लिया है, किसी का लिया, कि वे यहाँ आना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई स्थान ही खाली नहीं रखा, मैं आकर कहाँ बैठूंगा फिर। तो आते हैं, अब वे दिखाई देते या नहीं ये पता करना बड़ा कठिन काम हो रहा है, और हो सकता है कि प्रकट आते हो भगवान के समावसरण में, किंतु देवता आते हैं और आकर आपके चरणारविंदों में नमस्कार करते हैं, और जब नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, तो उनके सिर पर मुकुट और मुकुट पर फूलों की माला। तो जब वे झुकते हैं तो वे फूलों की माला उस मुकुट को छोड़कर और आपके चरणों में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों? कवि की कल्पना है, बहुत सुंदर कल्पना, कि यह बहुत स्वाभाविक बात है। क्यों? कि जो सुमनस होता है वह आपको छोड़कर दूसरी जगह कहां रहेगा। सुमन अच्छे मन वाला विद्वान, सुमन माने विद्वान, सुमन माने जिसका मन बहुत पवित्र है। सुमन का एक संस्कृत में अर्थ है फूल, पुष्प। कि जो सुमन वाला है प्रभो, वह आपके पदार बिंदों को छोड़कर दूसरी जगह कैसे रमण करेगा, चाहे इंद्र का मुकुट हो, वह वहाँ नहीं रहना चाहेगा, वह तो आपके चरणों में ही रहना चाहेगा। इसलिए वह पुष्प की माला है, उस मुकुट को छोड़कर, इंद्र के मुकुट को छोड़कर, और आपके चरणों में आ जाती है। बड़ा एक महत्व का प्रश्न है, कौन व्यक्ति कहाँ रहना चाहता है, सुमन व्यक्ति कहाँ रहता है? हर जगह सुमन व्यक्ति रह नहीं सकता। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। यूनान का राजदूत आया,
मौर्य साम्राज्य, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था मौर्य का, और जिसमें चंद्रगुप्त, अशोक, सम्राट अशोक, सम्राट संप्रति आदि आदि अनेक महत्वपूर्ण चक्रवर्ती राजे हुए। राज्यसभा में गया, बातचीत हो रही है, बातचीत के दौरान उसने देखा कि सब लोग चाणक्य की प्रशंसा कर रहे हैं, महामंत्री चाणक्य की प्रशंसा कर रहे हैं सब लोग। राज्यसभा समाप्त हुई, राजदूत ने कहा मैं चाणक्य से मिलना चाहता हूँ। बता दिया लोगों ने कि गंगा के किनारे वहाँ चले जाओ और महामंत्री तुमको मिल जाएगा। वह पता पूछकर गंगा के किनारे, निर्दिष्ट किनारे पर गया तो आगे जाकर किनारे पर देखा तो एक लंबा चौड़ा आदमी, दिल डोल का बड़ा कठ का आदमी गंगा के किनारे स्नान कर रहा, स्नान किया और स्नान करने के बाद अपने कपड़ा धो रहा है। यूनान का राजदूत उसके पास जाकर बोला, भैया मुझे बताओ कि यहाँ महामत्य चाणक्य कहाँ रहते हैं? लोगों ने बताया कि गंगा के किनारे पर रहते हैं। किस स्थान पर है, उनका कौन सा भवन है, प्रसाद है, महल है, मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो ये सामने झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में रहता है। यह राजदूत समझ नहीं सका, कल्पना भी नहीं कर सका कि भला इतने विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था, इतने बड़े विशाल साम्राज्य का महामंत्री और झोंपड़ी में रहता है, समझ में तो नहीं आई। पर जो कहा तो ठीक है, जाकर देखता हूँ। गया वहाँ जाकर देखा तो झोंपड़ी खाली पड़ी है, कोई नहीं है वहाँ। क्या उसने सोचा कि उस व्यक्ति ने जो स्नान कर रहा था मुझे धोखा दे दिया, झूठा पता बता दिया। अब एक संदेह की स्थिति में खड़ा है कि क्या बात है, यहाँ के लोग इतना झूठ बोलते हैं, मुझे धोखा दिया है, झोंपड़ी में तो कोई नहीं है। वह तो संदेह के झूले में झूल रहा था और इतने में पीछे एक आदमी आया, पीछे खड़ा है, और उसने देखा और कहा, भैया तूने मुझे धोखा दे दिया, यहाँ महामात्य चाणक्य रहते हैं तो कोई नहीं है। तो चाणक्य बोला, यूनान के राजदूत स्वागतम, आपका स्वागत है। स्वागत, कौन है आप? कि मेरा नाम चाणक्य है। समझ नहीं रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कल्पना भी नहीं कर रहा है कि इतने बड़े साम्राज्य का महामंत्री इस झोंपड़ी में रहता है। मुद्रा राक्षस में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, उपल सकल में तत्, वहाँ क्या है कि उस झोंपड़ी में थोड़े छाने पड़े हैं अग्नि जलाने के लिए, थोड़े पत्थर पड़े हैं, थोड़े कागज पड़े हैं, बस ये झोंपड़ी में है। क्या आप सचमुच चाणक्य हैं? कहा, मेरा नाम चाणक्य है। आइए बैठिए। बैठे, अब क्या बैठे, वह तो एकदम विक्षिप्त सा हो गया, कुछ समझ नहीं पा रहा है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। बोला, महामत्य सचमुच आप चाणक्य है? कहा, चाणक्य है मेरा नाम। तो फिर आप इस झोंपड़ी में रहते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य, आपका तो कोई बड़ा महल होना चाहिए था, और आप इस झोंपड़ी में रह रहे हैं। चाणक्य बोला कि हम लोग प्रजा की सेवा के लिए हैं, महलों में रहने के लिए नहीं। अगर मैं महल में रहूंगा तो प्रजा झोंपड़ी में रहेगी, मैं झोंपड़ी में रहूंगा तो प्रजा महलों में रहेगी, अच्छे भवनों में रहेगी। मैं प्रजा को सुखी देखना चाहता हूं, प्रजा सुविधा में रहे, मैं सुविधा में न रहूं।
एक आज तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहली बात तो यह है कि आज कोई महामंत्री या मंत्री भी होगा तो एक पहले तो कमांडो की फौज होगी, फिर कोई बड़ा भवन होगा, बड़ी कोठी होगी, और फिर भीतर जाए तो सुविधाओं का अंबार, बड़ी बड़ी कुर्सियां, गद्देदार बिछौने और पता नहीं क्या क्या होता है, सब कुछ होता है। किंतु वहां तो कुछ भी नहीं था चाणक्य के पास। तो फिर हम सोच सकते हैं अगर चाणक्य का सूत्र है वह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि शासक वर्ग यदि महलों में रहेगा तो प्रजा को झोंपड़ी ही पांति आएगी, फिर महल कहाँ मिलेंगे। शासक इतनी सुविधा में रहेगा तो प्रजा को वह सुविधा प्राप्त कैसे होगी, उसे कहाँ रहना चाहिए। या शब्द काम करता है कि सुमन सह, फूलों की माला अगर इंद्र के सिर पर मस्तक पर ही रहना पसंद करे तो फिर वह सुमन नहीं रह सकता, अच्छा मन वाला नहीं हो सकता, फिर फूल का नाम भी सुमनस नहीं हो सकता। शायद पुष्प का नाम इसीलिए सुमनस है कि वह अच्छे स्थान पर रहना पसंद करता है, अच्छे स्थान पर, और इसीलिए वह सुमन है। तो प्रभु इंद्र के मस्तक को छोड़कर, मुकुट को छोड़कर, मस्तक पर मुकुट और मुकुट पर माला, उस मुकुट को, इंद्र के मस्तिष्क के मुकुट को छोड़कर और आपके चरणों में आ गया है। ऐसा लगता है कि महलों को छोड़कर झोंपड़ी में आ गया है और वह यहां रहना चाहता है। अब पार्श्व के चरण तो धूल में ही थे, धूली पर या आसन पर, या ज्यादा से ज्यादा सिंहासन जिसको कहते हैं वह भी शिलापट्ट है, स्फटिक का शिलापट्ट, स्फटिक पर इस पर रहते हैं। और कहां इंद्र का वह मुकुट, पता नहीं कितना मूल्यवान होता होगा। तो उसे छोड़कर, क्योंकि वह सुमनस है, एक बहुत मर्म की बात है कि रत्नों से खचित मौली बंद को छोड़कर और चरणों में आना, धूली के पास या शिलापट्ट के पास आना, यह सूचना दे रहा है कि अगर आपको अच्छा मन रखना है तो महलों में रहने की बात न सोचे, बड़े स्थानों पर रहने की बात न सोचे, धरती पर रहने की बात सोचे। जो व्यक्ति धरती से लगा हुआ है वह बहुत काम कर सकता है, जो सदा महलों में ही रहता है वह सुविधा भोग सकता है पर प्रजा को कभी सुखी नहीं बना सकता। अगर प्रजा सुखी रहे, जनता सुखी रहे, यह लक्ष्य है, तो उन महलों को, सुविधाओं को छोड़कर झोंपड़ी में जाना होगा, सुमनस बनना होगा। मन अच्छा नहीं है, सुमन नहीं है, तो फिर वे झोंपड़ी को छोड़कर महलों में, सुविधाओं में रहेगा। एक सामाजिक स्थिति, एक शाश्वत सच्चाई आचार्य ने प्रकट की है, बड़ी सच्चाई है ये कि अगर हमारा शासक वर्ग भी सुविधावादी बन गया, सुविधा का भोग करेगा, बड़े से बड़ा प्रयोग करेगा पदार्थों का, तो फिर वह प्रजा के सुख की बात सोच नहीं सकता। वह तो यही सोचता है कि सब ऐसे बने, सोचते हैं लोग कि सब करोड़पति बन जाएं, हम भी सुविधा भोग रहे हैं, वे भी सुविधा भोगें, किंतु यह नहीं देखते कि यह करोड़पति बनकर करोड़ों को कितना भूखा मार देते हैं, कितना भूख में ले जाते हैं, इस बात पर ध्यान नहीं देते। तो एक हम इस सूत्र को पकड़ें, यह धर्म का सूत्र चाहे राजनीति का सूत्र, धर्म में भी भगवान महावीर की वाणी को देखें तो महावीर ने कहा,
सुवसायगस्य समणस्य साया उलगस्य निगामसायिस्य उच्छोलना पहोस्य सुलहा सुगई तारी सगस्य। उस साधु की गति अच्छी नहीं होती, साधु तो बन गया पर उसकी गति अच्छी नहीं होती, सुलभ नहीं है अच्छी गति। क्यों? कि सुवसायगस्य हमेशा देखता बस आराम से रहूं, सुख सुविधा मिले, आराम से बैठा रहूं, कोई श्रम नहीं करना पड़े, कोई काम नहीं करना पड़े, आनंद भोगता रहूं, निरंतर सुख सुविधा की चाह करता है। और खाया पिया और मजे में दो तीन घंटा खोटी तान कर सो गए, मजे में आराम बस है। इधर तो खूब सुविधा भोगो और इधर खूब मजे में मुफ्त का आहार पानी मिलता है, गृहस्थ के घर जाते हैं सीधा मिलता है, लोग भक्ति से देते हैं, और फिर दो तीन घंटा मजे में सोए रहो। एक बार हम पूज्य गुरुदेव जब अहमदाबाद चतुर्मास कर रहे थे तो गुरुदेव ने मैं कहा कि वहाँ मुनि पुण्य विजय जी से मिलो, हम गए मिले, हमने कहा कि आप अकेले ही काम कर रहे हैं। बोले कि क्या करूँ, मेरे पास कोई आता है तो मैं तो आहार करते ही 10 मिनट में काम में लग जाता हूँ, अब वे 3-3 घंटा विश्राम करते हैं तो कैसे मेरा पार पड़ेगा, साथ निभेगा नहीं। तो निकाम साई सोते रहते हैं, बस नींद प्रमाद में रहते हैं। उच्छोलना पहो इससे ध्यान रहता है कि कपड़ों की सफाई रहे, साफ कपड़ा रहे, धोने में इसी समय बिता देते हैं, लंबा समय धोने में प्रक्षालन में बिता देते हैं। ऐसा साधु है उसकी गति भी अच्छी नहीं होती। तो भला गृहस्थ की बात तो छोड़ दें, साधु बनने की बात भी होता है। तो जहाँ सुविधावादी है वह प्रजा का हित नहीं कर सकता, सुविधावादी साधु है वह जनता का हित नहीं कर सकता, अपना भी नहीं कर सकता, और वह सुमनस नहीं हो सकता। यह सुमन का एक बहुत बड़ा स्थानन सूत्र में बड़ा विवेचन है, सुमन और दुर्मन का। तो एक सुमन यानी फूल ने भी इतनी अच्छी बात सोच ली कि मुझे इंद्र के मुकुट पर नहीं रहना है, मुझे तो भगवान की चरण धूली में रहना है। अगर फूल भी ऐसी बात सोच सकता है तो एक मस्तिष्क, विकसित मस्तिष्क वाला आदमी ऐसा न सोचे कि मुझे सुविधा का भोग कर, सुविधाओं में जीवन बिता कर तो जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, मुझे तो उस धर्म की धूली में ही रहना है और एक कठोर जीवन जीना है जिससे मैं सुमनस बन सकूं और मेरा मन सदा पवित्र बना रहे। आचार्य सिद्धसेन अरहत पार्श्व की स्तुति करते कर रहे, स्तुतिकार विद्वान है यानी शब्दों पर पूरा अधिकार है। जिस व्यक्ति का शब्द कोश समृद्ध होता है उसे विचारों की अभिव्यक्ति में बहुत सुविधा हो जाती है। शब्द कोश छोटा होता है तो जानता नहीं तो ज्यादा विचार भी नहीं कर सकता, ज्यादा बोल भी नहीं सकता। कोई भी वक्ता, लेखक, कवि, साहित्यकार हो, वह मुक्त भाव से वक्ता तभी बोल सकता है जब उसका शब्द कोश समृद्ध है। निज पृष्ठ लग्नान, जो आपकी पृष्ठ लग्न है यानी आपने जो मार्ग बताया ज्ञान दर्शन चारित्र, उस मार्ग पर चलने वाले वास्तव में आपके पृष्ठ लग्न है, आपके पीछे लगे हुए हैं, पृष्ठ लग्न है बने उनको आप तारते हैं। तो क्या यह कैसे हो सकता है? फिर कवि कहते हैं कि युक्तम, बिल्कुल सही हो रहा है, उचित हो रहा है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि पार्थिव निपस्य सतस्तवई वे, पार्थिव है घड़ा, वह भी जब जल में ऊंधा कर दो
उस आदमी पकड़कर उसको पार नदी को पार कर जाता है। सीधा रखो घड़ा, नहीं तैर सकता तो जल भर जाएगा। घड़े को ओंधा रखो, ओंधे मुंह, और फिर उसको पीछे से पकड़ लेने वाला आदमी घड़े के साथ पार कर जाता है। तो एक विरोधाभास भी है कि विपरांगमुख है, सम्मुख नहीं है आप संसार के, आप संसार से विमुख हैं। पहले जैसे अपने यहाँ पंचपद की वंदना थी मारवाड़ी भाषा में, जब उसमें कहा जाता था कि संसार स्यूं अपूठा अरे मोक्ष स्यूं सामा, विपरांगमुख है आप संसार से जन्म जल्दी से, फिर भी ये आपकी करुणा है कि जो भी आपके पीछे लगे हुए हैं, यानी जो भी आपके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग की आराधना कर रहे हैं उनको आप तार देते हैं। घड़ा भी तो पीछे लगे हुए को तारता है, सम्मुख को नहीं तारता। घड़े को ऐसे सामने कर लो तो डुबो देगा, पानी भर जाएगा। विपरांगमुख होकर ही घड़ा तारता है। इसका कारण साफ है, पार्थिव निप, आप भी पार्थिव है और घड़ा भी पार्थिव है, यानी जो पृथ्वी की रक्षा करने वाला भी पार्थिव होता है और घड़ा पृथ्वी से मिट्टी से बनता है, इसलिए घड़ा भी पार्थिव है। निप घटे वह घड़ा भी पार्थिव है, तो ऐसा जब घड़ा ही कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। एक आश्चर्य की बात है कि जो घड़ा है वह विपाक शून्य नहीं है, विपाक युक्त है। घड़ा तभी तार सकता है जब उसका विपाक हो जाए, कच्चा घड़ा नहीं तार सकता। पक्का कर लिया घड़ा, वही घड़ा तार सकता है जल से। आश्चर्य तो यह है कि आप कर्म विपाक से शून्य है फिर भी तार रहे। काव्य की भाषा में एक इतना अलंकार पूर्ण कहा है, काव्यानुशासन में दो बातें बतलाई गई है कि कवि और सुहृद दोनों में किसका ज्यादा महत्व है, सहृदय। तो फिर आगे बताया कि कवि का महत्व है पर कवि से भी ज्यादा महत्व है सहृदय का। सहृदय जो काव्य के मर्म को समझने वाला व्यक्ति है, मर्मज्ञ है, उसका ज्यादा महत्व है। कवि तो है पर कोई सहृदय नहीं है, काव्य के मर्म को समझने वाला नहीं है। तो फिर कहा जाता है भैंस के आगे मृदंग बजाए, भैंस के सामने जाकर ढोल बजाता है, मृदंग का क्या अर्थ होगा। तो कवि के मर्म को समझने वाला नहीं है, उसकी जो उक्ति है वक्रोक्ति है उस वक्रोक्ति को भी समझने वाला नहीं है। वही काव्य श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें वक्रोक्ति होती है। डॉक्टर है और हमेशा सम्मुख ही रहे जनता के, तो फिर डॉक्टर नहीं हो सकता, जनता से विमुख होकर काम करना पड़ता है। एक राजनेता है वह तो जनता के सम्मुख रह कर विमुख होकर काम नहीं कर सकता, सफल नहीं हो सकता। किंतु जो भी बड़ा काम करने वाले हैं, चाहे वह जन नेता हो, चाहे साधु हो, चाहे कुछ भी हो, उनको परांगमुख होना भी सीखना चाहिए। एक कार्य से परांगमुख होकर ही हम बड़ा काम कर सकते हैं। सदा जो व्यक्ति भोग के सम्मुख रहता है, पैसे के सम्मुख रहता है, वह कभी परमार्थ का काम नहीं कर सकता। परमार्थ का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो पैसे धन भोग आसक्ति से परांगमुख होना भी जानता है। तो यह परांगमुख होने की जो बात है, और जिस प्रकार
परांगमुख घड़ा तार सकता है, तो और समस्या का पार भी वही व्यक्ति कर सकता है जो परांगमुख होना जानता है। अगर हम इस परांगमुख के मर्म को समझ सकें तो शायद अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं।